दोस्तों, हमारी भारतीय सरकारी कंपनी BSNL ने देश को आगे ले जाने के लिए, कदम आगे ले जाने के लिए जबरदस्त यहां पे काम किया है। फ्रेंड्स, आने वाला टाइम होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, यस। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चाहिए चार्जिंग कनेक्शन, चार्जिंग पॉइंट्स चाहिए, जगह जगह पे चार्जिंग पॉइंट्स होने चाहिए। जिस तरह से पेट्रोल व्हीकल्स के लिए पेट्रोल पंप्स होते हैं, चार्जिंग पॉइंट्स अभी हिंदुस्तान में नहीं है। लेकिन दोस्तों, उसके लिए हमारी भारतीय सरकारी कंपनी BSNL आगे बढ़ के रही है। 1000 से ज्यादा दोस्तों यहां पे चार्जिंग स्टेशन बनने वाले ऑल ओवर इंडिया में BSNL की तरफ से। क्या है दोस्तों ये न्यूज, किस तरह से BSNL दोस्तों इस बड़े इनिशिएट को आगे ले रहा, किस तरह से दोस्तों हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक कार्स का दोस्तों जनरेशन आने वाली, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोनील। फ्रेंड्स, अभी सब्सक्राइब करें हमारे टेक्नोनील चैनल को और हमें बनाइए 1 मिलियन की टेक्नोनील फैमिली। इसके साथ साथ इस घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए हमारे आने वाले सारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स जितना भी होता है फ्रेंड्स, इतना पोल्यूशन करता है, पेट्रोल डीजल वगैरह सब खत्म हो जाएगा आने वाले टाइम में। लेकिन इलेक्ट्रिक दोस्तों फ्यूचर है, नेक्स्ट जेन बोलते हैं दोस्तों, आने वाला सदी जो होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की होने वाली है। और हिंदुस्तान ने दोस्तों यहां पे शुरू कर दिया, इलेक्ट्रिक कार्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। बहुत सारी कंपनी आ चुकी है, लेकिन दोस्तों कारें तो मिलना स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन उसका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे फिलहाल इतना अच्छा नहीं है हिंदुस्तान में। लेकिन दोस्तों भारत सरकार धीरे धीरे करते हुए यहां पे आगे लेके जा रही है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। और यहां पे दोस्तों BSNL ने पार्टनरशिप की है EESL यानी दोस्तों एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL के साथ दोस्तों यहां पे पार्टनरशिप की। और ये दोनों मिलके दोस्तों 1000 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन, पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बनाने वाले आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। यस दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया में 1000 से ज्यादा पब्लिक चार्जिंग स्टेशन यहां पे बनने वाले। EESL जो है दोस्तों यहां पे पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे डेवलप करने वाला है। BSNL में दोस्तों फेज बाय फेज कंप्लीट होने वाला है और अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट जितना भी होगा ये पूरा EESL लगाने वाला है। BSNL का दोस्तों इसमें क्या रोल होने वाला है, BSNL दोस्तों इसमें स्पेस प्रोवाइड करेगा EESL को चार्जिंग स्टेशन के लिए, उसके साथ साथ कनेक्शन देगा, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों बाकी का सारा चीज जो होगी वो EESL यहां पे करने वाला है। दोस्तों इंडिया के अंदर जो EVs होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे मजबूत होना चाहिए, खास करके चार्जिंग पॉइंट्स यहां पे होने चाहिए जहां पे आप जाके आप आपकी EV जो है इलेक्ट्रिक कार्स को यहां पे चार्ज कर सके। तो ये दोस्तों बढ़ाने के लिए मोदी गवर्नमेंट इसमें बहुत सारे इनिशिएट ले रही है, लेकिन भारत सरकार की कंपनी दोस्तों BSNL अब आगे बढ़ के आई और 1000 से ज्यादा यहां पे चार्जिंग पॉइंट्स आपको ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिलेंगे। EESL की बात करें दोस्तों, उसने ऑलरेडी 300 यहां पे AC और 170 DC चार्जिंग पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स यहां पे लगा रखे इंडिया के अंदर। यहां पे बात करें दोस्तों 66 जितने पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स यहां पे करंटली यहां पे ऑपरेशनल जो दिल्ली NCR में काम करते हैं। और EESL ने दोस्तों यहां पे कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं MOUs यहां पे साइन किए हैं कुछ दोस्तों यहां पे, जैसे कि यहां पे अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारे यहां का दोस्तों कॉर्पोरेशन जो है अहमदाबाद का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इनके साथ साथ किया है। इसके बाद नोएडा अथॉरिटी है, चेन्नई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन उसके साथ साथ, जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कमिश्नर जितने भी है दोस्तों इनके सबसे साथ इनका जो है दोस्तों टाई अप हुआ, MOU साइन किया, जहां पे ये हर सिटी के अंदर जाके यहां पे अपने चार्जिंग पॉइंट्स लगाने वाले हैं। तो EESL के साथ मिलके BSNL ऑल ओवर इंडिया के अंदर 1000 से ज्यादा पब्लिक चार्जिंग पॉइंट बनाने वाला है। तो अगर आप सोच रहे थे कि आने वाले जनरेशन वाली नई कार इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते थे, ईवी कार लेना चाहते थे, लेकिन एक टेंशन थी कि हम चार्ज कहां से करेंगे, दोस्तों टेंशन मत करिए, भारत सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रही है। यहां पर सबसे बड़ा इनिशिएट BSNL ने लिया है जहां पर 1000 से ज्यादा चार्जिंग पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स आपको देखने को मिलने, चार्जिंग स्टेशन आपको देखने को मिलने वाले आने वाले कुछ ही समय के अंदर। तो दोस्तों एक बड़ी अपडेट थी जहां पे BSNL पूरे भारत के अंदर 1000 से ज्यादा पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स, चार्जिंग स्टेशन यहां पे बनाने वाला है। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक थम्स अप तो दे ही देना, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो नीचे आपको लाल कलर का बटन दिखेगा, उसे सब्सक्राइब का बटन बोलते हैं, उसको दबा दबा के तोड़ दीजिए। उसको दबाने से हमारी छोटी सी टेक्नोनील फैमिली के VIP मेंबर बन जाएंगे। उसके पास ही दिखेगा एक घंटी का बटन, उसको जोड़ दबा देना। उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा उसका नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। अब तक बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।